शुरू होता है अदिति's info blog और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो आज मुझे एक सरप्राइज मिला है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो गेट रेडी। ये हमारा नया शिशु पपी, इसका नाम रखा है हमने लियो। ये हमारा शिशु मतलब लियो, ये बस 15 डेज का है। उसके छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं और इसके हेयर्स भी बहुत सिल्की है। शिशु का ओरिजिन तिबेट और चाइना से हुआ। शिशु एक चाइनीज वर्ड है, उसका मतलब लिटिल लायन यानी कि छोटा शेर। लाइफ स्पैन तकरीबन 14 से 16 साल होती है। ये डॉग है और बहुत फ्रेंडली है, उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। इन्हें ज्यादा एक्सरसाइज या फिर बाहर जाना पसंद है, लेकिन इन्हें ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है। अब मैं आपको इनकी ग्रूमिंग और डेली केयर की चीजें दिखाने वाली हूं। ये है ड्राई शैम्पू, आपके डॉग या फिर पपी पे अप्लाई कर दीजिए और सूखे टॉवल से पोंछ दीजिए, पानी की कोई जरूरत नहीं। फिर आपका डॉग स्वच्छ, सुंदर और चमकदार। ये कोम टिक्स या फिर उसके बदन के अनवांटेड बालों को निकालने के लिए कोम है और ये उसके नॉर्मल ग्रूमिंग के लिए, उससे वो बहुत अच्छा दिखेगा। पपी वाइप्स, जिससे आप उनके आँख, कान के अंदर और अनहाइजीनिक पार्ट्स जहाँ से वो पू पी करता है वो साफ कर सकते हो। है पू और पी पैड्स, इसे ट्रेनिंग पैड्स भी कहा जाता है। उसे एक जगह बिछा दीजिए और पपी उसे सूंघकर वहाँ पे पू पी करता है, जिससे आपका घर स्वच्छ रहता है। ये है डिबॉर्मिंग के लिए, जिससे उसके पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं और ये उसके खाने में रोज मिलाया जाता है, जिससे पपी का डाइजेशन होता है। हमारे लियो को देते हैं। चल लियो, लियो। So guys, हमारे पपी को M&T पंपकिन पपी स्टार्टर देते हैं। पपी को फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और कर्ड राइस देते हैं। कर्ड राइस यानी कि दही भात। विंटर सीजन और रेनी सीजन में आप दही भात अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपके पपी को सर्दी ना हो जाए। मोस्टली ब्लैक, व्हाइट, लिवर, ड्यूअल, ट्राई कलर में आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा लियो बाप कैसे करता है, वो भी इससे।
या फिर शिज़ू के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आदि चीज़ एंटरटेनमेंट।